आज हमने बनाया है बहुत ही हेल्दी नाश्ता। इसमें हमने सूजी, मैदा, आटा, बेसन, पोहा किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। नाश्ता हेल्दी भी है, साथ में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप देखें, इसमें हमने बहुत सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल किया है। इसे हमने बहुत कम तेल से बनाया है। आप इस नाश्ते को बिना तेल का भी बना सकते हैं। बिना तेल का भी बनाएंगे तो भी ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। इसके लिए हमने लिया है आधा कप ओट्स। ये नॉर्मल ओट्स है, अगर आपके पास रोल ओट्स है तो भी आप ले सकते हैं। आधा कप मूंग की दाल को हमने 4 घंटे पहले अच्छे से धो करके भिगो दिया था। पानी निकाल करके इस दाल को हम डालेंगे मिक्सी के बड़े वाले जार में। साथ में हम डाल देंगे ओट्स भी। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल देंगे। मिर्चा आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे 1/4 कप खट्टा दही। डालेंगे इसमें 1/4 कप पानी। अब इसे बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। आप देखें ये बिल्कुल बारीक पीस गया है, तो जितना हमने पानी और दही डाला है उतना ही डाल करके आप पीसिए। पानी इसमें ज़्यादा आप बिल्कुल ना डालें। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे 1 बड़े से बाउल में। अब मैं इसमें डालूंगी इन सारी सब्जियों को जिसमें हमने लिया है गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और हरा धनिया। गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है, पत्ता गोभी को भी ग्रेट कर लिया है, धनिया और शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच हल्दी। अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। अगर आपको पसंद है तो इसमें ब्रोकली, गोभी या बीन्स भी बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो अच्छे से इसे हमने मिला लिया है। पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि सब्जियां भी अपना पानी छोड़ेंगी तो थोड़ा ये और पतला होगा। अब हम क्या करेंगे इसको स्टीम करने के लिए, 1 कढ़ाई में डालेंगे 3 कप पानी। इसमें रखेंगे स्टैंड, पानी ज़्यादा ना डालें, स्टैंड के नीचे ही पानी रहे। ढककर इसे गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 बेकिंग ट्रे, इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला है। अच्छे से चारों तरफ ब्रश से तेल को लगा लेंगे। इसकी जगह आप घर की कोई थाली या प्लेट भी ले सकते हैं इसे स्टीम करने के लिए। इसे रखते हैं साइड में। अब आप देखें थोड़ी देर बाद सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा तो ये थोड़ा पतला हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है ताकि सोडा एक्टिवेट हो जाए और ये अच्छे से फ्लफी हो जाए। सोडा की जगह आप 1 सैसे इसमें इनो का डाल सकते हैं। तो ये बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है। इसे ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस किए हुए ट्रे में। दाल और ओट्स में होता है प्रोटीन और सब्जियों में होता है फाइबर, तो ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। इस ट्रे को थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि सारे एयर बबल्स इसमें से निकल जाएं। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। इस ट्रे को रखेंगे कढ़ाई के अंदर और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली। आप चाहें तो इसकी जगह चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। ढककर इसे 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। बीच में आप एक बार चेक कर सकते हैं, पानी कम हो जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। टूथपिक डालकर हमने चेक किया तो ये बिल्कुल क्लीन है, मतलब हमारा ये नाश्ता अच्छे से स्टीम हो गया है। इसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। इसे आप बिल्कुल ठंडा ना करें, हल्का सा जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे कट कर लेंगे। अगर इसे आप तुरंत कट करेंगे तो इसके पीस अच्छे नहीं कटेंगे, इसलिए थोड़ा सा ठंडा करके ही आप इसे काटें। आप इसे चौकोर टुकड़ों में काट सकते हैं या जिस तरीके से हमने इसे काटा है इस तरीके से भी इसे आप काट सकते हैं। अगर आपको तेल बिल्कुल नहीं पसंद है तो इस नाश्ता को आप ऐसे ही खा सकते हैं। अभी तक इसमें हमने तेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। अब इस पर एक तड़का लगाएंगे तो उसके लिए हमने तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच काला सरसों, 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल, 2-3 हरी मिर्च बीच से कट करके डाल देंगे और डालेंगे इसमें करी पत्ता। करी पत्ता को हम सुखा करके रखते हैं तो हमने वही करी पत्ता का इस्तेमाल किया है, आप फ्रेश करी पत्ता भी ले सकते हैं। अब इस तड़का को डाल देंगे इसके ऊपर। तड़का डाल करके जब आप इसे खाएंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। ऊपर से हमने डाल दिया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपको गर्म खाना पसंद है तो इसे आप 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं या इसे आप पैन में भी गर्म कर सकते हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं प्लेट पे। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बना करके खा सकते हैं क्योंकि दाल, ओट्स और सब्जियों से बना है नाश्ता, तो इसे आप कभी भी बना करके खा सकते हैं। ट्रे से आप देखें बिल्कुल आसानी से निकल गया है।
ट्रे में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। लीजिए, सर्व करने के लिए तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी दाल, ओट्स और सब्जियों से बना हुआ ये नाश्ता। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या अपने पसंद की कोई चटनी या सॉस के साथ भी इसे आप खा सकते हैं। चलिए इसे तोड़कर भी दिखाते हैं। आप देखिए अंदर इसकी जाली बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ ताकि ये रेसिपी और लोगों तक पहुँच सके। ऐसी आसान नई रेसिपी देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।